डीपीआई में निकले 4 कोरोना पॉजिटिव, 7 दिन के लिए दफ्तर बंद। दूसरी खबर है, अतिथि शिक्षकों को ना हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एंड लेटेस्ट न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षक भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ जेल पहरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। टॉपिक वाइज आपको सारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर कराए जाएंगे। चलिए तो आज की दोनों खबरें हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। पहली खबर है कि डीपीआई में 4 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, 7 दिन के लिए लोक शिक्षण संचालनालय का जो दफ्तर है उसे बंद कर दिया गया है। न्यूज़ भोपाल की है। लोक शिक्षण संचालनालय में 4 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद मंगलवार से दफ्तर बंद कर दिया है। यह आदेश संचालक लोक शिक्षण गौतम सह ने जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में कहा है कि कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले कर्मचारी क्वारंटाइन रहेंगे, जबकि अन्य कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। दफ्तर 3 अगस्त तक बंद रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम के कर्मचारियों को आवश्यक होने पर ऑफिस बुलाया जा सकता है। संचालक गौतम सह का कहना है कि दफ्तर पूरी तरह बंद नहीं है, आवक जावक में कर्मचारियों की ड्यूटी है, यहां डाक लेने का काम जारी रहेगा। वहीं राज्य ओपन स्कूल में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन दफ्तर में सभी कर्मचारियों को काम पर बुलाया गया है। अब क्या डीपीआई कार्यालय बंद होने के कारण शिक्षक भर्ती पर इसका कोई असर पड़ेगा? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी तो शिक्षक भर्ती का काम रुका हुआ है, नियमों पर चर्चा चल रही है, तो फिलहाल तो अभी इतने समय के लिए बंद हुआ है तो शिक्षक भर्ती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम आपके लिए बता दें, शिक्षक भर्ती में जो पोस्टर अभियान चल रहा है, यदि आप उसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं तो जल्दी सम्मिलित हो जाइए। पोस्टर का प्रारूप आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, वे पोस्टर बना के आप अपने ग्राम शहर में लगा सकते हैं। आज की दूसरी खबर है, अतिथि शिक्षकों को ना हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई। यह खबर नई दिल्ली के अतिथियों के संबंध में है। अतिथि शिक्षकों को ना हटाने के निर्देश की मांग को लेकर दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत में याचिकाकर्ता दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ता संगठन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह धनराशि दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लाइब्रेरी फंड में जमा कराने के आदेश दिए हैं। हम आपके लिए बता दें कि दिल्ली अतिथि शिक्षकों ने यह याचिका लगाई थी कि जो पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उन्हें उनके पद से ना हटाया जाए। पीठ ने कहा कि इस प्रकार की याचिका के आधार पर अतिथि शिक्षकों की सेवाओं को नियमित नहीं किया जा सकता है, यह सेवा नियमों के आधार पर हो सकता है। सरकारी स्कूल में सार्वजनिक रूप से सभी को आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए। यह दिल्ली हाई कोर्ट का यह आदेश है कि सभी को समान रूप से जो है आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। मित्रों, आपको वीडियो क्या अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस प्रकार की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको जो भी जानकारी है वो सही समय पर मिल सके।